मुझे और कोई समझाए भी जरूरत नहीं होती। जो मुरली से समझ जाएगा उसको अलग से बैठ के किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती। इसी को कहेंगे ना अच्छा टीचर। अगर टीचर क्या होता है आजकल स्टूडेंट्स कॉलेज स्कूल में जाते हैं, उसके बाद भी ट्यूशन क्लासेस देते हैं। रीजन क्या है? इतनी अच्छी से वो मिलती नहीं एक्सप्लेनेशन, है ना? तो इसलिए बाबा भी हमारा कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन। इसलिए बाबा ने आज कहा कि बाप के सिवाय कोई भी ये योग ये ज्ञान सिखला नहीं सकते। सिखलाने के लिए चाहिए डिटेली, मतलब हर तरह से माइन्यूटली ये चीज लेनी, फिर उसको इस तरह पकड़ना, फिर उसको इस तरह डालना। जैसे नहीं होता एक चीज बनाने के लिए भी कोई सिखाता है, डिटेलिंग चाहिए और लॉजिक चाहिए, तो फिर वो शिक्षा दिल में बैठ जाती। चलो बाबा के शब्दों में शिक्षा ही सुनते हैं। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। बाप के सिवाय कोई भी देहधारी तुम्हें राजयोग सिखला न सके। कोई भी देहधारी राजयोग सिखला न सके। अच्छा प्रश्न है, तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है और कौन सी नहीं? कौन सी प्राप्ति होती है और कौन सी नहीं? मिलेगा तो सही ना, भक्ति की है तो। क्या कहेंगे? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीव्र भक्ति करने से नहीं, उस भक्ति का रिजल्ट वो तो हम समझते, पर वैसे अगर आपने भक्ति की है क्या चीज मिलेगा? वो मिल जाएगा। और क्या नहीं मिलेगा? सदगति नहीं मिलेगी। और क्या नहीं मिलेगा? मुक्ति नहीं मिलेगी। सदगति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो मिल जाएगी ना, मुक्ति मिलेगी, जीवन मुक्ति नहीं। हाँ, और वापिस कोई ले नहीं जा सकता, ये भी है ना तीव्र भक्ति करने से। कोई तीव्र भक्ति करते हैं तो दीदार हो जाता है, बाकी सदगति तो किसी की होती नहीं। वापिस कोई भी जाता नहीं। बाप के बिना वापिस कोई भी ले नहीं जा सकता। क्लियर है? बाप के बिना वापिस कोई ले नहीं जा सकता। कि नहीं हो रहा है तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम इस बने बनाए ड्रामा को जानते हो। तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान है। आत्मा ही स्वर्गवासी और नरकवासी बनती है, ये ज्ञान बाबा में देते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप ने ओम शांति का अर्थ भी समझाया है। ओम को अहम अर्थात मैं भी कहा जाता है। मैं आत्मा, मेरा शरीर, दो चीजें हैं। ये आत्मा ने कहा ओम शांति, अर्थात शांति मेरा स्वधर्म है। आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम अथवा परम धाम।
वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी मनुष्य की दुनिया। मनुष्य में आत्मा है और ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है। आत्मा विनाशी है, वह कब मरती नहीं। अब आत्मा का बाप कौन? शरीर का बाप तो हर एक का अलग अलग है, बाकी सभी आत्माओं का बाप एक ही है, परमपिता परमात्मा। उनका असली नाम है शिव। कई पूछते हैं ना कि बाप का मतलब क्या, पैदाइश होती है? फिर वो कहते हैं ना, बूंद से सागर से बूंद निकला, तो हम लोग बाप कहते, तो वो कहते हैं इसका मतलब तो क्लियर है, हम लोग भी वही तो कहते हैं। क्या कहेंगे फिर, क्या कहेंगे, बाप कैसे है? वो तो फिर सब सबको थोड़ी अडॉप्ट किए, ब्रह्मा बाप का है ना अडॉप्शन वाला, ये तो नेचुरल बाप है शिव बाबा। तो अनादि अविनाशी है, क्या पता अब और क्या कहें। ये भी राइट है। मैं समझती हूँ कि बाप का मतलब क्या, सोर्स, सोर्स है भाई जिससे मुझे मिलता है, और इसलिए सुप्रीम भी है, बाप भी है, लेकिन सुप्रीम, सुप्रीम मतलब स्टेटस। फादर कहने के बाद सुप्रीम की जरूरत नहीं होती है, सुप्रीम जज क्यों बोलते हैं, स्टेटस हो गया ना। तो उस तरह से स्टेटस भी है, हाईएस्ट है, सोर्स है। फादर मतलब क्या, मेन, जिससे दूसरों को मिलता है, बच्चों को मिलेगा, जिसके संस्कार बच्चे इनहेरिट करते हैं, फादर का मतलब ये होता है। तो आत्मा के संस्कार बाप, बेसिकली हर आत्मा के संस्कार बाबा जैसा है बेसिकली। तो जिससे संस्कार इनहेरिट होते हैं, जिसकी तरह मतलब उससे वो सोर्स है, इसलिए तो उसी से कनेक्ट करते हैं ना, तब वो चार्जिंग हो जाती। तो सोर्स के हिसाब से, और दूसरा स्टेटस है सुप्रीम, फादर का नहीं। फादर स्टेटस कब होता है, ऑफिशियल होता है, तो सुप्रीम है मतलब परम है, परमात्मा। हाँ, तो वो तो बच्चों के लिए है ना, लेकिन हर आत्मा बाबा के बच्चे ना, हर आत्मा को तो एडॉप्शन थोड़ी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, अब आत्मा का बाप कौन? शरीर का बाप तो हर एक का अलग अलग है, बाकी सभी आत्माओं का बाप एक ही है, परम पिता परमात्मा। उनका असली नाम है शिव। पहले पहले कहते शिव परमात्मा ही नमः, अच्छा फिर कहेंगे शिव, फिर ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। उनों को भगवान नहीं कह सकते, देवताए नमः कह दिया, भगवान नहीं कह सकते। सबसे ऊंचे निराकार परमात्मा, फिर है सूक्ष्म देवताए, यहां सभी मनुष्य है। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा का रूप क्या है। भारत में शिव की पूजा करते हैं, शिव काशी, शिव काशी कहते हैं। वे लोग लिंग बनाते हैं, कोई बड़ा बनाते कोई छोटा, लेकिन जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का रूप है, सिमिलैरिटी है ना रूप में। तो संस्कार में सिमिलैरिटी है, रूप में सिमिलैरिटी है, तो क्या कहते हैं, ये तो पिता की तरह ही है। जनरली इस तरह से हमेशा माँ बाप के साथ कंपेयर किया जाता है बच्चों का, कभी भी बॉस के साथ या उसके उसके साथ नहीं कंपेयर करते, पेरेंट के साथ कंपेयर करते। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो शिव काशी कहते हैं, परमात्मा उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं। आत्मा ही है, परम है। क्यों परम है? परम का मीनिंग है, तो ट्रांसलेशन हुआ,
परम परम धाम में रहे वन वेरी राइट दूसरा चक्र में नहीं जिसका कभी कम नहीं होता है परम है ना नहीं तो अगर थोड़ा बहुत भी कम ज्यादा होगा वो परम की लिस्ट में नहीं आए परम की टाइटल में नहीं आता हमारा तो कम ज्यादा होता है ना तो मतलब अगर वो शांति है शांति का सागर है तो मतलब ऑलवेज है प्यार का सागर है तो मतलब ऑलवेज है तो ऑलवेज है तो कभी परमात्मा क्रोध कर सकता है दो बात नहीं हो सकती या तो शांति का सागर प्रेम का सागर हो या फिर थोड़ा थोड़ा कभी क्रोध करता सागर मतलब कोई गर्म तो नहीं होगा ना जो उसकी बेसिक क्वालिटी है वो ऑलवेज है तो बाबा कहते हैं कि शिव का मनुष्य न परमात्मा का तो वो मनुष्य बाकी सॉरी बाप समझाते जैसे तुम आत्मा बिंदी वैसे मेरा रूप भी बिंदी अच्छा जब रुद्र पूजा करते तो उसमें लिंग ही बनाते शिव का बड़ा लिंग बाकी सालिग्राम छोटे छोटे बनाते मनुष्य को न यथार्थ आत्मा का ज्ञान है न परमात्मा का तो वो मनुष्य बाकी क्या रहा सब में पांच विकार प्रवेश है देवीमान में आकर एक दो को काटते रहते हैं यह विकार है ही दुख देने वाला अच्छा कोई मर गया तो दुख हुआ ना यह भी काटा लगा कोई भी मनुष्य को न आत्मा का न परमात्मा का रियलाइजेशन है सूरत मनुष्य की सीरत विकारी है इसलिए कहा जाता है रावण संप्रदाय सूरत मनुष्य की सीरत पूरी विकारी ये क्या है हाँ सीरत रावण की तरह सीरत बंदर की तरह सूरत बंदर की तरह नहीं आपको कहीं जाना सूरत देवताओं की तरह तो मनुष्यों की तरह तो इसीलिए अगर देवता भी है तो क्या है सीरत देवताओं का है बाकी सूरत तो इसी तरह दिखेगा ना दो हाथ दो पैर यही रहेगा सब कुछ तो बाबा कहते हैं मनुष्य को अभी तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो गीता में भी अक्षर है कौरव संप्रदाय पांडव संप्रदाय और यादव संप्रदाय अभी तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो राजयोग श्री कृष्ण सिखला न सके वह सत्युग का प्रिंस उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न हरेक का कर्तव्य महिमा अलग अलग है प्रेसिडेंट का कर्तव्य अलग प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य अलग नहीं अगर टाइटल अलग है तो पावर्स भी अलग है तो महिमा भी अलग है तो इसलिए श्री कृष्ण के लिए कला के लिए बोलते हैं सोलह कला संपन्न इस तरह से बोलते तो बाबा कहते हैं अभी ये तो ऊंचते ऊंच बेहद का बाप है इनके कर्तव्य को भी मनुष्य ही जानेंगे जानवर थोड़े जानेंगे मनुष्य जब तमो प्रधान बन जाते हैं तो एक दो को गाली देते रहते हैं ये है ही पुरानी दुनिया कलयुग इसको नर्क कहा जाता है विशेष वर्ल्ड कहा जाता है सत्युग को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है हमको राम राज्य चाहिए ये पतित पावन आप आकर पावन बनाओ शांति धाम सुख धाम में ले जाओ बाप समझाते दुख सुख का खेल बना हुआ है माया ते हारे हार माया ते जीते जीत जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल ही नहीं जानते और उसे फिर क्या एक रिजर्वेशन आ जाती है मैं डायरेक्टर ऑपरेशंस हूं आपने मुझे एचआर का काम दे दिया तो नहीं चलेगा ना
तो वो मैं देख कर नहीं सकती उतना, और आपको लगता है मैंने किया नहीं, मेरा वो ऑक्यूपेशन ही नहीं। इसलिए विशेषकर बड़े बड़े कंपनीज में क्या करते हैं, भाई ये है ना, इधर इस डिपार्टमेंट में जाओ, ऐसा ही है दीपिका भाई, ये थोड़ी कि ये वाला भी तुम इधर करो, वो इधर करो, जो जो जिसका डिपार्टमेंट है। तो बाबा कहते हैं उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा, अब बाबा कहते एक एक देवियों की ऑक्यूपेशन को क्या जानेंगे फिर, सबकी ऑक्यूपेशन अलग अलग है। श्री कृष्ण का जो ऑक्यूपेशन है वो बाकियों का नहीं होगा, ये तो नहीं ना कि ये, इसलिए तो स्पेशलाइजेशन है। देवियों का क्या बोला, शीतला देवी, काली माता, फिर लक्ष्मी देवी, हर की स्पेशलाइजेशन, तो वही पर्टिकुलर चीज होगी। और बाबा से सब होगा जाएगा। इसको कहा ही जाता है अंधश्रद्धा अथवा गुड़ियों की पूजा, क्योंकि ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। जैसे बच्चे गुड़िया बनाकर खेल पाल कर फिर तोड़ देते हैं, शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। शिव तो है ऊंचा ते ऊंचा बाप, ब्रह्मा को भी प्रजापिता कहते, प्रजा माना ही मनुष्य सृष्टि, शिव आत्माओं का बाप, सभी को दो बाप है, परंतु सभी आत्माओं का बाप शिव है, उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है, कल्याणकारी भी कहते हैं। देवताओं की फिर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी, हमारे में कोई गुण नहीं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। देवताएं स्वच्छ बुद्धि थे, यहाँ है सब विकारी पतित, इसलिए गुरु करते हैं। गुरु वह जो सदगति करे, गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में, कहते हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, सत्युग में वानप्रस्थ अवस्था कहते ही नहीं है। इसलिए अभी कभी बच्चों में ही बचपन में ही गुरु कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा तो है नहीं, तो कौन सा गुरु करे, सदगुरु कर लो। तो बाबा कहते हैं अच्छा, सत्युग में वानप्रस्थ अवस्था कहते ही नहीं है, 60 प्लस या चलो 100 प्लस के बाद होगी वानप्रस्थ अवस्था। अच्छा, बूढ़े होंगे नहीं, एवरग्रीन, व्हाइट तो बाल होना ही नहीं है, दांत भी निकलने नहीं है, आंखें भी कमजोर नहीं होना है, इयरिंग ही फर्स्ट क्लास है, पैर भी, वो भी घुटनों का भी इश्यू नहीं। सो बाबा कहते सत्युग में वानप्रस्थ अवस्था होती नहीं, वहां ये मालूम रहता है ऑलवेज, कौन सी, कि हमको ये एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। ये अवेयरनेस कितना जरूरी है, कौन फील करता है, बस मैं आत्मा, कभी भी एक शरीर छोड़ दूसरा ले सकते, करनी चाहिए, कुछ तो सीखना चाहिए हमको, जो जो रोज रोज सुनते न्यूज सुनते, तो प्रैक्टिस करो। चलो एक सेकंड प्रैक्टिस करते, मैं आत्मा गई, भ्रुकुटी में बैठी, और अब निकल रही हूं शरीर से अलग, ऊपर परम धाम गई, वहां से फिर दूसरे शरीर, ओके। तो बाबा कहते हैं तो वहां ये मालूम रहता है, देखो सारा समय मालूम रहेगा
आत्मा को वहां, मतलब ये तो क्लियर होगा ना, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस पूरा समय रहता है, तो इसका मतलब ये पता है कि अभी यहाँ प्ले कर रहे हैं और फिर बाद में दूसरा शरीर में जाएंगे, क्लियर होता है। जैसे हम लोग कभी 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 कह देते ना, भूल जाते, यहाँ मनुष्य गुरु करते मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं। ये गुरु लोग सब भक्ति मार्ग के हैं, शास्त्र भी सभी भक्ति मार्ग के हैं, ये बाप समझाते हैं, बाप एक ही है, वही भगवान है। मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं, यहाँ तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, साई बाबा भी भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, पत्थर भीतर सब में भगवान, तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। डिविनिटी और सुप्रीमेसी में फर्क है, तो उन लोग ने सोचा डिविनिटी इज इक्वल टू सुप्रीमेसी, डायरेक्टर और चेयरमैन में फर्क है। तो बाबा कहते हैं अब कोई भी डिवाइन फिगर है वो भगवान है, ये गलत हो गया। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि नरकवासी थे, अभी तुम हो संगम युग, महिमा सारी संगम युग की है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, परंतु उसमें कोई उत्तम पुरुष बनते नहीं। तुम अभी मनुष्य से देवता कितने उत्तम पुरुष बनते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग भारत को पुरुषोत्तम बनाने आता हूं। तो ये भी बच्चों को समझाया है, जैसे आत्मा बिंदी वैसे परम पिता परमात्मा भी बिंदी है। कहते भ्रुकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, आत्मा सूक्ष्म है, उनको बुद्धि से जाना जाता है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। देखो बिंदी है तो इजी है ना याद करना, इसलिए जब देवी देवताओं को याद करते थे तो थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि बहुत सुंदर की कल्पना करना है, अब वैसे देखा तो नहीं है बेस्ट, इसलिए मन भटकता है। क्यों भटकता है? इजी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या लगता है, ये इजी वो इजी? बिंदी क्या डिफिकल्ट है? सबसे इजीएस्ट जो बच्चा भी बना सकता है वो बिंदी है, पॉइंट। हाँ हुई, तो अभी कौन सा सुंदर चूज करे, फिर वैसा जब तक दिखा नहीं होगा ना तो मुश्किल होती है। अच्छा बाबा कहते तो कहते ग्रुकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, तो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, दिव्य दृष्टि से देख सकते। समझो कोई तीव्र भक्ति करते हैं, उससे दीदार होता है, अच्छा, परंतु उससे मिला क्या? कुछ नहीं। दीदार से सदगति तो हो ना सके, सदगति दाता दुख हरता सुख करता तो एक ही बाप है, ये दुनिया ही विकारी है। साक्षात्कार से कोई स्वर्ग में नहीं जाते, दीदार हुआ, अच्छा उससे क्या हुआ? तो बाबा कहते स्वर्ग में नहीं जा सकते, शिव की भक्ति की, दीदार हुआ फिर क्या हुआ? वापस तो बाप बिगर कोई ले नहीं जा सकते, कोई का भी मुझे झलक दिख गई उस समय अच्छा लगा, स्टेटस सिंबल है कि भाई मुझे, मैंने देखा उसको, कई कहते ना ये फिल्म स्टार को मैंने देखा, मेरे बाजू से निकला, ठीक है। अगर उसके साथ रहना है और देखना, रहने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके साथ, मतलब एकदम उसके साथ ही रहना है, वो तो बहुत उस बड़े स्टेप्स है ना, संबंधो पहचानो फिर मिले फिर उसकी लाइकिंग डिसलाइक सब कुछ उसके जैसा बनना होगा।
हाँ उसके जैसा बना तो बाबा, दीदार तो देवता का ही होगा ना, दीदार तो किसी देवता का होगा, परमात्मा तो बिंदु है। हाँ वो भी है, चलो अगर देवताओं के पास भी जाना है, सोचते ये कर दिया मेरा उद्धार हो गया, दीदार हो गया, मतलब उसके पास जा सकती हूँ मैं, वो फर्क है। मास्टर शांति का सागर और सब चीजें जो है ना, शक्ति वान वगैरह सब कुछ बनना होगा मुझे। तो बाबा कहते हैं सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता, एक बात ही है, शिव की भक्ति की दीदार हुआ फिर क्या हुआ, वापिस तो बाप बिगर कोई ले नहीं जा सकते, यह बना बनाया ड्रामा, कहते बनी बनाई बन रही, परंतु अर्थ भी नहीं जानते, आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, वो तो कहते हर एक आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, उसमें एक मनुष्य जन्म दुर्लभ होती है, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं, इतने सारे जन्म शुकर कुकर ना, जो जो भी सोच सकते, मतलब आई थिंक सो सारी जितने भी स्पीशीज है उन सब में गो थ्रू करना पड़ता है उनके फिलोसफी के मुताबिक, और उसके बाद जाकर मनुष्य जन्म मिलेगा। तो सबसे पहले इतने ज्यादा जरूरत जाने की जरूरत क्या है, मतलब मनुष्य जन्म के लिए सबके लिए गो थ्रू करना पड़ेगा, मेरे पाप का कम है क्वांटम, सबका अलग अलग है, तो क्या सबको उतना ही उसमें जाना पड़ेगा, या तो किसी को 80 वाले तक जा सकता है, उसे कुछ नहीं बताया। और अगर दुख के लिए जाना है तो मनुष्य जन्म में ही काफी दुख है ना, मनुष्य शरीर में बहुत दुख मिल सकता है, वहां और स्पेशली वहां जाके दुख लेने की क्या जरूरत है। अच्छा फिर वहां चले गए उस जन्म में, तो उसके बाद कैसे मनुष्य जन्म में आएंगे, मतलब कोई मुझे ज्ञान सुनाए तब तो मेरा उद्धार हो के मनुष्य, चेंज होते जाते अपने आप, बिना ज्ञान भी चला जाए। तो अभी वही हो गया, कोई चीज को नहीं क्लियर करना है तो क्या कहते हैं, लाखों वो तो, पर वो तो बेचारे वो कहते ना मनुष्य जन्म है तब ये है ना, तो ये वाला दुर्लभ है ना। तो बाबा कहते हैं क्लियर सभी, कौन है राजू बेन, सब क्लियर, भक्ति का कंसेप्ट क्लियर कि नहीं, 84 लाख लेती है माने 84 लाख, कोई चीज में अगर कुछ बताना नहीं, हजारों आए थे, अब पता नहीं कितने आए थे, हजारों बोल दिया तो टू मेनी हो जाता है, उसमें मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं, मनुष्य का तो बड़ा पाठ चलता है, मनुष्य ही स्वर्गवासी और मनुष्य ही नरकवासी बनता है बाबा कहते, परंतु मनुष्य भारत ही सबसे ऊंचा खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म एक मत थी, भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई धर्म ही नहीं था, यह है पढ़ाई, ये कौन पढ़ाता है, भगवान वाच, मैं तुमको इस राजयोग द्वारा राजाओं का भी राजा बनाता हूँ, ये है ना जन्म। अच्छा राजाओं का भी राजा बनाता हूँ कैसे, मतलब जो राजा है जिनकी पूजा करते वो बनाते हमको, इसलिए और कुछ एक्चुअली मन के राजा बनाते ना, स्व का राज्य, जिसका स्व पर राज्य है उसका सब पर राज्य है, आज पूरे दिन अगर स्व पर मेरा राज्य है तो मैं टाइम वेस्ट कर सकती हूँ, श्वास पर राज्य है, संकल्प पर राज्य है, फिर डिसीजन पर राज्य है, कर्मेंद्रियों पर राज्य है, एटीट्यूड पर राज्य है, संस्कारों पर राज्य है, स्व पर राज्य, अगर इतने सारे चीजों के राजा बन जाए तो वो फिर बाकियों के राजा बने हुए हैं ना, फिर ये है
राजाओं का राजा, फिर वो ऑटोमेटिक बाकी राजा बने। तो बाबा इसलिए कहते हैं गीता के बाद है महाभारत, गीता में राजयोग है। तो भगवान ने किसको गीता सुनाई, मैं तुमको इस राजयोग द्वारा राजाओं का राजा बनाता हूं। ये है, कितना अच्छा लगता है अगर हम संकल्प पर राज्य करें। सब लोग कर रहे हैं ना, पूरा समय शुभ संकल्प शुभ संकल्प, कितना मजा आता है। ये राजा, राजा मतलब क्या, मौज। ये राजा को दिवाली का क्या पता, मौज। यहाँ तो रोज ही दिवाली है। तो कितनी, और मतलब वो मैं उसका मालिक हूँ, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, एम्प्लॉय नहीं उसका मालिक हूँ। तो बाबा कहते हैं गीता में राजयोग है, भगवान उवाच मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मन मनाभाव का अर्थ ही यह है कि बाप कहते तुम जो सूर्यवंशी पूज्य थे वह फिर पुजारी शूद्रवंशी बन गए हैं। विराट रूप का अर्थ तुम बच्चे ही जानते हो, विराट रूप में जो दिखाते हैं उसमें ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। ब्राह्मण तो बहुत गाए जाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है ना, बाप ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अब तुम हो ऊंच ब्राह्मण, तुमको रचने वाला है ऊंचे ते ऊंचा भगवान जो सबका बाप है। ब्रह्मा का भी वह बाप है, सारी रचना का वह बाप है। तो रचना हो गई, वो सबका बाप है, तो रचना हो गई ब्रदर्स। वर्षा बाप से मिलता है, इसलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कंसेप्ट जो है कॉमन फादर है। तो अब जैसे कजन्स भी होते हैं ना, भाई दादा एक है, तो इसलिए ब्रदरली रिलेशन हो गया। और यहाँ तो सबका डायरेक्ट फादर एक है, आत्मा का, तो सब ब्रदर्स है ही है, इसलिए बाबा कहते हैं। तो वर्षा बाप से मिलता है ना कि भाई से। शिव जयंती भी मनाई जाती है, आज से 5000 वर्ष पहले ब्रह्मा तन में शिव बाबा आया था, देवी देवता धर्म स्थापन किया था, ब्राह्मण ही राजयोग सीखे थे, वह तुम अब सीख रहे हो। भारत पहले शिवालय था, शिव बाबा ने शिवालय रचा और भारतवासी स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा, अब कहाँ राज्य करते हैं? भारतवासी जो स्वर्ग में राज्य करते थे अब कहाँ राज्य करते हैं? चलो राजेंद्र भाई बताए, बताओ भाई वो भारतवासी कहाँ गए, बताओ बताओ, और कौन बताएगा? अशोक भाई दीदी वो अभी भी हैं जो स्वर्ग में राज करते थे, वो अभी भी चौरासवें जन्म में होंगे। कहाँ है वो? वो ब्राह्मीण है। और एड्रेस बताओ थोड़ा, मिल के आते हैं उनसे। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो दीदी। पहली मुरली में आपने कहा था अगर वो स्वर्गवासी हो तो हम नर्कवासी हुए, तो हम नर्क में राज करते हैं। अच्छा, नरक में कहाँ है मुझे एड्रेस बताओ ना। बोलो अशोक भाई, मुरली सुन रहे हैं। अशोक भाई बताओ। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो अशोक भाई। परम धाम में है वो। अच्छा परम धाम में, एड्रेस वहाँ है दीदी। हाँ, के सामने अशोक श्रॉफ है क्या? रमेश भाई संगम युग में राज करते हैं। संगम युग में, संगम युग में। और थोड़ा एकदम क्लियर एड्रेस बताओ। 90% राइट है, 10% 10% बस बताओ। आत्माओं में राज करते हैं। अच्छा रंजना बेन बोलो। स्वपे राज करते हैं, सामने बैठे दीदी। हाँ, स्व पे राज करते हैं दीदी। अरे ये सामने जो बैठे हैं ज़ूम पे सारे, स्व
दीदी स्व पे राजा हम... है जो स्वर्ग में राज्य करते, भूल गए? हाँ इधर जो सामने बैठे हैं, जीके टू सेंटर, ठीक है ये एड्रेस है, ये इतना दूर दूर क्यों बता रहे हो? हम भी हैं दीदी। हाँ तो बाबा कहते हैं कि भगवान ने किसको गीता सुनाई? हाँ तो राजाओं का राजा बनाता हूं। अच्छा गीता से फिर क्या हुआ? गीता के बाद है महाभारत। गीता में राजयोग है, ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं। भारत पहले शिवालय था, शिवालय ने स्वर्ग रचा और वो अब वो राज्य कहाँ करते? अब पतित दुनिया नरक में है, ये कोई समझते ही नहीं है तो हम नरकवासी है। कहते फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, तो अपने को नरकवासी समझना चाहिए। बाप कहते मैंने तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाया था, जिसको 5000 वर्ष हुए, पहले तुम बहुत साहूकार थे, सारे विश्व के मालिक थे, तो ऐसा जरूर गॉड ने ही बनाया होगा। भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, तो जरूर राजा भी बनेंगे तो प्रजा भी बनेंगे। आधा कल्प है दिन स्वर्ग, आधा कल्प है रात नरक। अब ब्रह्मा तो एक बार आएगा ना, बाप है सबका रूहानी पंडा, वो सभी को वापस ले जाते हैं। वहां से बाबा जब लेके जाएंगे सबको, तो वहां से फिर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे भगवान। अंधों की लाठी एक ही बाप है, मतलब सतयुग में भेजेगा या जबी भी भेजेगा, एकदम सतो प्रधान स्टेज। तो एक भाई ने बहुत अच्छा पूछा कि मोहिनी बहन को कि आत्माएं सभी तो जिनको भी हम ज्ञान देंगे सब तो स्वर्ग में आएंगे नहीं, तो सब तो सतो प्रधान बनेंगे नहीं, तो उनकी तो मतलब दुनिया को सतो प्रधान बना के तो ऊपर कैसे जाएंगे, क्योंकि वो तो सतो प्रधान बनेंगे नहीं, तो फिर कब की किसके लिए वेट करने? खाली इन सब के लिए, जिन बच्चों के लिए जो सतो प्रधान बने। मोहिनी बहन ने बहुत अच्छा बताया कि भाई हर आत्मा की अपनी सत्व प्रधान स्टेज है ना, तो हम जो ज्ञान दे रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, ये नहीं कि वो बच्चा बने, उनकी अपनी सत्व प्रधान स्टेज तक वो पहुंचे, ताकि वो सत्व प्रधान स्टेज के कारण वो मतलब उसकी जो बेस्ट स्टेज है, तो हमारा सेवा इसके लिए भी सेवा है, सिर्फ बच्चा बनाने की सेवा, प्रजा या भगत बनाने की सेवा नहीं, लेकिन हर आत्मा का ये स्टेज। तो बाबा कहते हैं दीदी समझ नहीं आया, देखो हर आत्मा की फाइनल सत्व प्रधान एक, जितनी भी आत्माएं हैं जब भी वापस आएगी इस संसार में पाठ बजाने, तो कौन सा पाठ होगा उसका? उसका अपना बेस्ट फेज होगा सत्व प्रधान का, फर्स्ट टाइम जब भी आएगी, तो लास्ट टाइम जो फेज होगा वही उसका फर्स्ट टाइम का फेज होगा उसका, क्योंकि जैसे हमारा भी तो जो लास्ट फेज है वही हमारा फाइनल फर्स्ट फेज होगा, तो उन आत्माओं का भी। तो अगर वो आत्मा अभी इतनी सी सत्व प्रधान बनेगी, तो वो उस संसार में भी उस समय आएगी जब, क्योंकि उसको इतनी सी सत्व प्रधान स्टेज है उसकी, तो वैसे वो आएगी चाहे जितना भी बने वो। क्लियर हुआ भावना? तो बाबा कहते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, भारतवासी आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनते, सीढ़ी उतरते उतरते वाम मार्ग में चले जाते हैं तो पुजारी बन जाते। पहले हम सब पूज्य सूर्यवंशी थे, फिर दो कला कम चंद्रवंशी हुई, फिर उतरते उतरते पुजारी बने हैं। पहले पहले पूजा होती है शिव की, उसको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। अब बाप कहते हैं एक निराकार बाप को याद करो
और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, बुलाते ही है पतित पावन आक्रम को पावन बनाओ। तो मेरे बिगर कोई कैसे पावन बना सकता? सीढ़ी में दिखाया है कि कलयुग के अंत में क्या है, पांच तत्वों की भक्ति करते हैं, साधु सन्यासी ब्रह्म की साधना करते हैं। स्वर्ग में ये कोई भी होते नहीं, ये सारा ड्रामा भारत पर ही बना हुआ है। 84 जन्म लेंगे, यहाँ भक्ति मार्ग की कोई दंत कथाएं नहीं है, यहाँ ज्ञान है, मेथड्स है, ये तो पढ़ाई है। ट्रेनिंग में क्या करते हैं? स्टोरीज कहाँ बोलते हैं? ट्रेनिंग में एक्सपीरियंसेस होते और मेथड होते कि ऐसे ऐसे करो, तो यहाँ तो पढ़ाई है। यहाँ तो ये शिक्षा मिलती कि एक बाप को याद करो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद नहीं करना है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, बाप भी कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। पतित पावन मुझे एक बाप को ही कहते हैं, फिर मनुष्य गुरु कैसे बन सकते? खुद ही वापिस जा नहीं सकते तो औरों को कैसे ले जा सकते, मतलब सदगति कैसे करेंगे? गुरु बिना गति नहीं, न गति न सदगति, सदगति तो बहुत आगे की बात है, इसलिए गति सदगति बोलते हैं। पहले गति होती है फिर बाद में सदगति। तो खुद ही वापिस नहीं जा सकते तो औरों को कैसे ले जा सकते? न कोई ज्योति ज्योत में समाते, वो तो क्लियर है ना सबको, क्यों ज्योति ज्योत में नहीं समाते? तो हम निराकार नहीं बन सकते, सूक्ष्म सूक्ष्म में मिक्स नहीं हो सकता है ना। मेरा मन आपके मन में मिक्स हो जाएगा क्या? फिजिकल चीज मिक्स हो सकती है, सूक्ष्म कैसे मिक्स होगा? मेरी बुद्धि आपकी बुद्धि में मिक्स हो जाए, नहीं हो सकता। हम लोग दोनों एक जैसे थॉट कर सकते हैं, वो पॉसिबल हो सकता है, एग्री कर सकते हैं, मिक्स वाला नहीं होगा। तो आत्मा ज्योति ज्योत में समा नहीं सकते, क्लियर? कल्पना बेन हाँ, सब पाठ बजाने वाले यहाँ पुनर्जन्म में, तुम सब वो सजनिया एक साजन को याद करती हो, वह है रहम दिल लिबरेटर, यहाँ दुख है तभी तो उनको याद करते हैं। सत्युग में तो कोई भी याद नहीं करते, बाप कहते हैं हमारा पार्टी संगम युग पर है, बाकी युगे युगे अक्षर रॉन्ग लिख दिया है। इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग का किसको पता ही नहीं है, कल्प कल्प अक्षर होना चाहिए, युगे युगे नहीं। तो अगर हर युग में आएगा तो फिर हर युग के बाद क्या बनेगा? सत्युग आ जाएगा फिर तो, क्योंकि हर युग में आया। पहली मुख्य बात है बाप को जानना, नहीं तो बाप से वर्षा कैसे लेंगे? रचना से वर्षा मिल कैसे सकता है? मिल नहीं सकता, बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया। मनुष्य यही नहीं जानते कि इतनी बड़ी प्रजा कैसे पैदा की होगी, प्रजापिता है ना, सरस्वती माँ है या बेटी है? ये भी किसको पता नहीं? आपको नहीं पता? हाँ हाँ, किसको पता ही नहीं। हाँ, क्या है सरस्वती? आत्मा, हमारी माँ है, हमारी माँ है और ब्रह्मा बाप की बच्ची है। बेटी है या बेटी है? बेटी है, देवी है, बेटी है ना, बेटी है, शिव बाबा की बेटी है ना। इवन ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे? बच्ची कहते थे। और अगर मदर थी तो वो उस रोल में मदर थी, बहनों की पालना के लिए मदर थी। बेटी का रोल जैसे हम सब बच्चे, वैसे बच्ची थी। तो ये भी किसको पता नहीं है? माँ तो तुम्हारी गुप्त है,
और उस तरह से देविया तो माँ हो जाती क्योंकि पालना किया था संगम युग। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट करते, हमारी माँ है ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्म माँ, माँ ब्राह्मणों की माँ, क्योंकि थ्रू ब्रह्मा एडॉप्ट करते हैं ना, तो ब्रह्मा माँ। शिव बाबा ब्रह्मा बाप द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। अब तुम हो राज ऋषि, ऋषि अक्षर पवित्रता की निशानी है। सन्यासी है हठ योगी, वह राजयोग सिखला न सके। गीता भी जो सुनाते वह भक्ति मार्ग की है। कितनी गीताएं बना दी है। बाप कहते हैं बच्चे मैं संस्कृत में तो नहीं पढ़ाता हूं, न श्लोक आदि की बात है, तुमको राजयोग आकर सिखलाता हूं, जिस राजयोग से तुम पावन बन पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, वो राजयोग में सिखाता हूं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सारे, कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। दूसरा है, बाप समान रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है, रूहानी पंडा बनकर रास्ता बताना। पंडा मालूम है ना किसको बाबा कहते हैं? ये बहने जब जाती थी बाबा से साकार में, तो फिर अच्छा तो नहीं लगता था, तो बाबा हमेशा कहते थे जाओ और अब पंडा बन के आओ, पंडा बनकर आना। पंडा मतलब पंडा बनकर आना, मतलब लेकर आना। लेकर आने का मतलब क्या था भाई बहनों को? उनको ज्ञान सुना के, मेहनत करके, लायक बना के फिर बाबा से मिला, इसको कहते पंडा। ये सिर्फ गाइड नहीं है, एक एक साल लगता है पंडा बनकर वापस जाने का, है ना? बाबा ये कहते हैं पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। वरदान है सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव, संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफानी विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहां कहां बिजी रखना है ये प्रोग्राम बनाओ। कौन से? देखो रोज अपने को मन, अपने मन को चार बातों में बिजी कर दो। मिलन रूरिहान, दूसरा वर्णन मतलब सर्विस, तीसरा मगन और फोर्थ है लगन। मिलन वर्णन मगन लगन, बहुत अच्छा है, याद रहे। आज का पुरुषार्थ भी वैसा, इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगी। कभी रूरियान कर रहे हैं,
कभी सेवा कर रहे, वर्णन कर रहे, तो बिजी है। अच्छा स्लोगन है, सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित रह सकते हैं। सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित रह सकते हैं। कितना अच्छा है, मेरा बर्थ राइट है। याद है कौन सी मुरली थी, सफलता मेरा बर्थ राइट है। आपको 2013 की मुरली थी, ये अभी इन संडेज में आई थी ना, कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसको फर्स्ट पैराग्राफ मिला था, तो उसमें बोला कि जो जन्म सिद्ध अधिकार होता है ना, वो मेरा नेचुरल होता है, मतलब उसके लिए मुझे पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। बाबा ने उसने फर्स्ट पैराग्राफ में बताया, अब भी आया था, तो हमेशा समझो मेरा परमात्म बर्थ राइट है। कोई भी कार्य लो, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार से भी अच्छा हो गया आज, परमात्म बर्थ राइट है। ऑलवेज डर रहेगा ही, क्या नहीं होगा, ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ क्या होगा, सफलता मेरा परमात्म बर्थ राइट है। ठीक है, ये अच्छा वरदान भी है हमारा। आज का व्यक्ति सर कल करेंगे।